हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गिनी और आप देख रहे हैं गिनी जोन यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि मेरा जो दूसरा चैनल है गिनी टेक, उस पर जो है मुझे पहली पेमेंट कितनी मिली थी और कितने टाइम बाद मुझे जो है पहली पेमेंट मिली थी। तो इस टॉपिक पर हम जो है आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बने रहे आप हमारी इस पूरी वीडियो के साथ और आगे करेंगे डिटेल में बात। देखिए गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जो है अपने गिनी टेक यूट्यूब चैनल पर जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की है, और मुझे जो है जो पहली पेमेंट मुझे रिसीव हुई थी गिनी टेक मेरे चैनल पर, वो काफ़ी ज़्यादा लेट रिसीव हुई थी। जी हाँ गाइस, मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, मतलब कि मेरी कोई भी वीडियो जो है गिनी टेक पर नहीं चलती थी। मतलब मेरी जो एवरेज व्यू थी 40-45, बस मेरे इतने ही व्यू रहते थे। कोई भी वीडियो डालूं, अगर कोई अच्छे व्यूज़ आ जाएं तो 50 से क्रॉस कर जाती थी। एवरेज रहती थी 30-35-40-45, इतने ही तरह की एवरेज रहती थी। पर मैं जो है कॉन्टिन्यूसली फिर भी वीडियो जो डालता रहता था। एक अगर मेरी कोई वीडियो 100 क्रॉस कर जाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था कि भाई मेरी वीडियो ने जो है 100 व्यूज़ क्रॉस कर लिया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। पर गाइज जो है मैं फिर भी जो है कॉन्टिन्यूसली वीडियो डालता रहता था, और मेरी वीडियो कभी 70 आ गए, अगर अच्छी चल गई है तो 70-75 हो जाते थे। वैसे भी 30-35-40 पर जो है मेरी हर वीडियो जो रुक जाती थी। उसके बाद गाइज जो है मेरी एक वीडियो चली, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली वीडियो डालता रहता था, और मेरी एक वीडियो चली Redmi 4 की, मेरी एक वीडियो थी वो मेरी थोड़ी सी चली थी, और उस पर मेरे व्यू आए थे 5000 व्यू। और जब मेरे वो 5000 व्यू आए तो मैं इतना ज्यादा खुश हुआ, इतना ज्यादा मोटिवेट हुआ कि मेरी 5000 व्यूज जो है मुझे मेरी वीडियो पर देखने को मिले हैं। मैं गाइस एक बात और आप लोगों को बताऊं, जब मैं गिनी टेक चैनल बनाया था अपना, मुझे यूट्यूब के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि कॉपीराइट क्या होता है, कम्युनिटी स्ट्राइक क्या होती है, एडसेंस क्या होता है, किस तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप क्या होती है, प्रोडक्ट किस तरह से मिलते हैं, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो हम अपने YouTube के नाम से कस्टम लिंक भी बना सकते हैं, जैसे कि youtube.com/guinitech, youtube.com/guinizone, मुझे ये भी नहीं पता था। इवन मुझे कुछ भी YouTube के बारे में नॉलेज नहीं थी, पर धीरे धीरे मुझे जो है ये नॉलेज मेरी बढ़ती गई। उसके बाद गाइस जो है मेरी, जैसे कि मैंने बताया कि Redmi 4 की मेरी एक वीडियो चली थी, उसके बाद मैं काफी ज्यादा मोटिवेट हुआ, मैं कंटिन्यूअसली जो है वीडियो डालता रहा। ठीक है गाइस, आपने बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, अगर आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं तो भी कुछ नहीं होता, आपने कंटिन्यूअसली वीडियो जो डालते रहनी है, और आपकी वीडियो कोई ना कोई एक बीच में जरूर चलेगी। यही मेरे साथ हुआ था, जैसे कि Redmi 4 मेरी एक वीडियो चली थी, उसके बाद फिर मेरा वही हाल हो गया था, 40-45-70-80-100-150 इस तरह के व्यू आते रहते थे। फिर जैसे जैसे मेरी नॉलेज बढ़ी तो मुझे लगा कि कोई ना कोई बीच में ट्रेंडिंग टॉपिक भी डालते रहना चाहिए, जो कि लॉन्ग टाइम सर्च होते रहे। तो मैं ऐसी कोई वीडियोज डालता रहा, जिसमें से मेरी एक वीडियो चली गई थी, और वो थी इंस्टाग्राम के, कि हम इंस्टाग्राम पर जो फ्री में फॉलोअर्स किस तरह से पा सकते हैं, वो मेरी 1,00,000 क्रॉस कर गई थी, और मेरा वॉच टाइम भी उसने पूरा कर दिया था, और मेरे जो है वॉच टाइम के साथ जो है मेरा सब्सक्राइबर की जो काउंटिंग थी 1,000 की, वो भी कंप्लीट कर दी थी मेरी उसी एक वीडियो ने। मुझे जो है अभी तक वॉच टाइम को लेकर, सब्सक्राइबर को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। जब इन्होंने ये न्यू निकाला था, मेरे वॉच टाइम जो कंप्लीट था, तो मेरी उस इंस्टाग्राम की वीडियो ने सब कुछ जो है कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद गाइस जो है मैं अब बात करूं अपनी पेमेंट की, मेरी जो है पेमेंट मुझे कितने टाइम बाद रिसीव हुई थी, तो गाइस कम से कम 1 साल मुझे लग गया था मेरी पहली पेमेंट मुझे रिसीव करने के लिए गिनी टेक पर, और उसकी पेमेंट थी लगभग $135 या $140 के नियर अबाउट वो पेमेंट थी। और उस टाइम जो है मैंने, मेरे 8-9 हज़ार सब्सक्राइबर थे, और मैंने जो उस टाइम 5,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद जो है मैंने फेमबिट पर भी जो अपना अकाउंट बना लिया था, तो 9,000 जब मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे तो मुझे जो है एक मुआवी की तरफ से फेमबिट पर जो है एक स्पॉन्सरशिप भी मिली थी, जो कि पहली बार तो रिजेक्ट हो गई थी। मैंने $200 बोले थे, उन्होंने 150 बोले, मैंने बोला नहीं मैं 200 ही लूंगा, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। पर 15-20 दिन बाद मेरे पास फिर वो आए, उन्होंने बोला कि अब आप 150 में करोगे, तो मैंने उस टाइम डन किया, तो 150 में मैंने जो है वो स्पॉन्सरशिप कर ली थी। तो एक ही महीने में मुझे वो स्पॉन्सरशिप की पेमेंट मिली, और जो है यूट्यूब के कुछ मेरे जो पहले पेमेंट थी वो मुझे रिसीव हुई थी, तो लगभग 20,000 के नियर अबाउट जो है मुझे पहली पेमेंट जो मुझे मिली थी। तो इन स्पॉन्सरशिप की और यूट्यूब की मिलाकर तो मैं काफी ज्यादा मोटिवेट हुआ उस चीज को लेकर कि भाई काफी अच्छी अर्निंग होती है, ये वो है। पर मैंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, काफी ज्यादा मेहनत की है, जैसे कि मैंने बताया कि 1 साल मुझे लग गया था मुझे पहली पेमेंट रिसीव करने में, काफी ज्यादा मैंने वहां पर जो है टेक पर मेहनत की है। तो अब मेरा भगवान की कृपा से काफी अच्छा वो चैनल चल रहा है, और अब मंथली में ही मुझे काफी अच्छी इनकम हो जाती है। तो बस गाइस आज की वीडियो में यही था, और मैंने आज आप लोगों को यही मोटिवेट करना था कि भाई अगर आपके जो है व्यूज नहीं आ रहे हैं तो आप बेफिक्र रहो, कभी
कभी आपकी कोई ना कोई वीडियो जरूर चलेगी। हाँ, ये थोड़ा सा आप दिमाग से भी चलना पड़ेगा कि आजकल क्या कुछ लोग देखना पसंद करते हैं, क्या ट्रेंडिंग में रहता है। और एक बात और बोलना चाहूंगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि भाई लॉन्ग टाइम सर्च वाली वीडियो जरूर डाला करो, दिन की दो वीडियो डालो, एक अपनी कोई भी अपडेट की या कोई भी अनबॉक्सिंग या गैजेट अनबॉक्सिंग, मोबाइल अनबॉक्सिंग डालो, पर एक ऐसी वीडियो जरूर डालो दिन की जो कि लॉन्ग टाइम सर्च हो। मेरी जो इंस्टाग्राम की वीडियो है वो कम से कम 1.5 साल हो चुके हैं मुझे डाले को, और आज की डेट में भी वो वीडियो सर्च होती है और मुझे कमेंट भी आते हैं। हफ्ते में 2-3 कमेंट मुझे अभी भी देखने को मिलते हैं, मतलब कि बैकग्राउंड में वो वीडियो मेरी अभी भी चल रही है, 1.5 साल हो गया, लोग अभी भी सर्च करते हैं, रैंक करती है और वो वीडियो मेरी लोग अभी भी देखते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ गाइस कि आप कभी ना कोई लॉन्ग टाइम सर्च वाली वीडियो भी जरूर डाला करो, दिमाग से चलो, आपके आपका चैनल चलेगा, आपकी वीडियो जरूर चलेगी। तो बस गाइस आज की वीडियो में यही था। आप देख सकते हो कि मुझे जो है गिनी टैग पर मैंने काफी स्ट्रगल किया और काफी टाइम बाद जो है मुझे पहली पेमेंट रिसीव हुई है। तो बस गाइस आज की वीडियो में, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि गाइस ये देख सकते हो मैंने गले में पाए हुए MI का ये ब्लूटूथ ईयरफोन। मुझे इस तरह के काफी प्रोडक्ट्स यहाँ ढेर लगा पड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे मतलब दिन के काफी ऐसी मेल्स आ जाती है जो प्रोडक्ट्स के लिए। अब तो हमारा ये हाल हो गया कि हम ये बोलते हैं कि भाई बस अब हमने प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, हाथ जोड़ देते हैं कि प्रोडक्ट हम नहीं लेने हैं, इतने ढेर लगे पड़े हैं प्रोडक्ट्स के। वो प्रोडक्ट्स लेना ठीक है, एक लिमिट तक आप प्रोडक्ट्स लेना, प्रोडक्ट्स की ज्यादा वीडियो डालना भी आपका चैनल को जो है खराब कर सकता है। इसके बारे में मैं आगे की वीडियो दूंगा आप लोगों को, किस तरह से आप प्रोडक्ट्स ले सकते हो, किस तरह से आप स्पॉन्सरशिप पा सकते हो, सब कुछ जो है मैं आपको अपने चैनल पर बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहना। तो ये वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।